वेलकम टू स्टोरी बी आज हम ऐसे एक इंसान के बारे में बात करेंगे जिसके एक इन्वेंशन ने ह्यूमैनिटी को बचाए रखा वो कैसे तो आपको पता ही होगा कि पुराने टाइम में अगर कुछ छोटा सा छोटा भी कट लग जाता तो उसे ट्रीट करना काफी मुश्किल था क्योंकि तभी एंटीबायोटिक्स नहीं थे बैक्टीरिया काबू में ना होने की वजह से इन्फेक्शन के चलते लोग मर जाते थे गेम ऑफ थ्रोन्स तो आपने देखा ही होगा उसमें सीजन वन में कार रोगो करके एक कैरेक्टर था इतना लंबा चौड़ा ताकतवर जिसने कई जंग जीते वो एंड में पता है कैसे मरा इन्फेक्शन की वजह से तो सोचिए छोटा सा छोटा गांव भी ट्रीट करना काफी मुश्किल था क्योंकि क्यूँकी जल्दी से ग्रो होते थे और वो उनको इन्फेक्ट करते थे बट ये इंसान ने वो बैक्टेरिया को रोका तो वो कैसे चलिए जानते हैं तो साल था 1928 जगह लंदन सेंट मैरीज नाम का एक हॉस्पिटल था यह हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे काफी हैंडसम डॉक्टर थे ये एन इनका नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लामिंग था पेशे से बैक्टेरियलॉजिस्ट थे यानी कि बैक्टीरिया को स्टडी करते थे कि कैसे वो ग्रो होते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है सो so, डॉक्टर साहब 1928 के साल में स्कॉटलैंड चले गए समर वेकेशन के लिए जाते वक्त उन्होंने लैब पे ताला लगा दिया था बट जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि जो भी बैक्टीरिया लैब में वो स्टडी कर रहे थे उन्होंने लैब का हालत कर रखा है पूरा लैब बेंच मैसी हो गया है सारी चीजों में बैक्टीरिया ग्रो कर रही है और ये सारे मस्को वो देख ही रहे थे एंड तभी डॉक्टर का ध्यान गया एक पेट्री डिश पे वो गोल सी चीज नहीं होती उसे पेट्री डिश कहते हैं वो पेटेड डिश थोड़ी उन्हें अलग दिख रही थी क्यूँकी उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ था तो उन्होंने सोचा कि पूरे बेंच में मस्त हो चुका है पेटेड डिश को क्यों बख्शा बैक्टीरिया ने वहाँ क्यों नहीं वो ग्रो हुए तो थोड़े और अच्छे से देखने पे उन्हें पता चला कि की डिश के ऊपर एक मोल जैसा कुछ उग रहा है और वो मोल था पेनासिलियम नोटेटम वेकेशन पे जाने से पहले शायद वो मोल्ड का कुछ हिस्सा स्टडी कर रहे थे जो डिश पे रह गया था फिर उन्होंने जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से देखा तभी वॉज अमेजी कि पेनिसिलियम नोटेटम ने स्टेफिलोकॉकी जो एक किस्म का बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय किया और उसके ग्रोथ को रोक दिया आसान भाषा में बताओ तो बैक्टीरिया को पेनिसिलियम ने बढ़ने नहीं दिया इट वॉज शॉकिंग क्योंकि ऐसे डेडली बैक्टीरिया से लोग कितने साल से जूझ रहे थे डॉक्टर्स परेशान थे की इन्फेक्शन का इलाज कैसे करे एंड ये मोल्ड बैक्टीरिया को आराम से यहाँ रोकने में कामयाब हो गया बड़ी खोजती है ये दिन के बाद से डॉक्टर अलेक्जेंडर ने और कुछ हफ्तों तक और भी वो पेनेसिलियम मोल्ड को उगाया सो so दैट वो अपने फाइंडिंग्स को कंफर्म कर सके एंड जब कई टेस्ट हुए तब ये कंक्लूजन निकला कि पेनेसिलियम मोल्ड में ऐसा कुछ है जो ना ही सिर्फ बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है पर उसे डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखता है फिर डॉक्टर अलेक्जेंडर ने इन्वेंशन के बारे में सबको बताया एंड फिर एक हिस्टोरिक लेटर भी लिखा जहाँ से

कई टेस्ट हुए कि क्या एक्चुअल में ये काम करता है कि नहीं एंड फिर फोर्टीन इयर्स बाद 1942 में वो साल आया जब ये मेडिसिन एक्चुअल में यूज किया गया एन मिलर पहली पेशेंट थी जिसे मेडिसिन बनने के बाद दिया गया एन ऑलमोस्ट मरने वाली थी वो न्यू हेवन हॉस्पिटल कैनेटिकट में एडमिट थी क्यूँकी उसका मस्कअल हुआ था एंड अंदर ही खराब खून की वजह से इन्फेक्शन हो गया था पेनासलम वॉज हर लास्ट होप एंड वो लेने के बाद उसकी जान बच गई एंड अभी भी आपको अगर लग रहा होगा कि बड़े बड़े इन्फेक्शन थे इसलिए वो डेंजरस थे छोटे इन्फेक्शन इतने डेंजरस नहीं होंगे तो ये कहानी सुनिए एक पुलिस कांस्टेबल था जिसका नाम अल्बर्ट अलेक्जेंडर था साल था 1942। फोर्टी टू पेने तभी सिर्फ रिसर्च चालू था मेडिसिन में नहीं यूज हुआ था तो अल्बर्ट एक सुबह अपने रोज गार्डन में थे एंड गार्डन में काम करते वक्त उनके फेस पे कट लग गया सिर्फ एक कट वो भी थॉर्न्स की वजह से बट जल्दी वो स्क्रैच इंफेक्टेड हो गया क्योंकि जब वो कट लगा वह बैक्टीरिया बढ़ने लगा ये इन्फेक्शन पूरे उसके फेस पे फैला देन लंग्स में भी गया जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया एंड जो भी दवाई उसे दिए गए वो उस पर काम नहीं कर रहे थे एंड अल्बर्ट की हालत जब दो साइंटिस्ट को समझी जिनका नाम था हार्वर्ड फ्लोर चेन जो उस साल में पेनिसिलिन के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने उसके डॉक्टर को कांटेक्ट किया और उनसे परमिशन लिया कि क्या वो उसे पेनिसिलिन दे सकते हैं पांच दिन तक अल्बर्ट को पेनिसिलिन के डोसेज मिलते रहे एंड वो रिकवर भी अच्छे से हो रहा था उसकी हालत सुधर रही थी बट 1940 के साल में क्योंकि पेनिसिलिन इतने तादाद में नहीं बन रहा था तो जितने भी पेनिसिलिन थे वो खत्म हो गए एंड और बनाने में वक्त लगने वाला था इस वजह से अल्बर्ट 48 साल में एक कट लगने की वजह से पास तो का कोई, ना कोई मेंबर यूज होता है पर हाँ डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ और भी कई लोगों को इसका श्रेय जाता है बिकॉज इवन दो डॉक्टर अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी पर वो उसे आइसोलेट करके मास प्रोडक्शन मेडिसिन के लिए नहीं बना पाए और ये काम मास प्रोडक्शन का 1940 में हार्वर्ड फ्लो अरस चेन ने किया एंड वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पेनिसिलिन काफी यूज हुआ था इसलिए वो सारे लोग जिन्होंने भी पेनिसिलिन पे काम किया और उसे आइसोलेट करके मेडिसिन में सक्सेसफुली यूज किया उन सारे लोगों को इसका क्रेडिट जाता है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू